की सब्जी तो सबको पसंद आती है, पर सिंपल मसालों से ढाबा स्टाइल भिंडी ऐसे बना के तो देखिए, मेहमान गुणगान करते रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं मसाला भिंडी की रेसिपी। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल A1 रेसिपी विद माधुरी। आज मैं आपको मसाला भिंडी बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। उसके लिए सामग्री है एक कटी हुई एक पाव भिंडी, हरा धनिया, एक कद्दूकस किया हुआ प्याज, थोड़ी सी मूंगफली पिसी हुई, दो चार हरी मिर्च, ये धनिया पाउडर और ये गार्लिक का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, तेल, थोड़ा सा नमक, सोप पाउडर, चाट मसाला, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा दही एक चम्मच। चलिए अब हम मसाला तैयार करते हैं भिंडी के लिए। सबसे पहले तेल डालते हैं, 3 चम्मच तेल डालती है। तेल को गर्म होने दीजिए। ये तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डालते हैं। इसको थोड़ी देर होने दीजिए, इसके बाद हम गार्लिक का पेस्ट डालते हैं। इसमें हम अब गार्लिक पेस्ट डालते हैं और थोड़ा सा नमक डालते हैं ताकि ये प्याज जल्दी हो जाए। इसपे थोड़ी सी हरी मिर्च डालते हैं। इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने दीजिए, मसाले को तब तक इसे भूनना है। देखिए मसाला, ये प्याज मसाला अपना हो चुका है। इसमें अब हम ये धनिया पाउडर डालते हैं 1 चम्मच, सोप पाउडर और ये मूंगफली पाउडर। ये छोटा 1 चम्मच नमक डालते हैं। पहले नमक डाल चुके हैं अपन, थोड़ा सा इसमें कम डालना है। चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च इसमें रही है इसलिए कम डालना है। और इसमें अब 1 चम्मच दही डालना है ताकि ये मसाला स्वादिष्ट हो जाए और खिला खिला हो जाए, इसलिए थोड़ा सा दही डालना जरूरी है और टेस्टी भी बनता है इससे। देखिए मसाला तैयार हो चुका है अपना, देखिए कितना अच्छा ब्राउन हो गया। अब इसमें हम भिंडी डालते हैं और अच्छी तरह से मिला दीजिए इसको और धीमे आंच पे इसको होने दीजिए। इसमें थोड़ा सा ये चाट मसाला डालते हैं, अमचूर और चाट मसाला मिक्स है, थोड़ा डालना है इसके लिए। देखिए भिंडी अपनी तैयार हो गई है। इसमें हम किचन किंग का मसाला डालते हैं और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा स्वाद के लिए, इससे सब्जी का स्वाद अच्छा आता है। और थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। इसके बाद हम इसे सर्व करते हैं। देखिए ये मसाला भिंडी अपनी तैयार हो चुकी है, इसको हम अब सर्व करते हैं। देखिए ये सब्जी अपनी तैयार है और हमने इसे पूरी के साथ सर्व कर दिया है। ये प्रवास में जाने के लिए भी बहुत अच्छी बनती है, खराब नहीं होती है ये सब्जी। आप भी इसे बनाइए और इसका स्वाद लीजिए।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।